एप्पल एक नशा है। किस एप्पल की बात कर रहा हूँ? मैं एप्पल फल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्पल फोन की बात कर रहा हूँ। और जब से मैंने शुरू किया है, और ये मेरा एक बालक है आयुष, उसने मुझे बोला था कि भैया एक बार अगर आपने एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो आप ज़िंदगी भर यूज़ करते रहोगे। और आज है तारीख 22 सितंबर, और सुबह 8 बजे एग्जैक्ट मेरे पास में आईफोन आ जाएगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स। और ये लेने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। फ्लाइट है तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 2 घंटे का गैप है, इस बीच में फ़ोन भी उठाना है और आगे भी पहुँच जाना है। भैया टाइम से आ गए हैं और इन्होंने उठा लिया है, जूस वूस पिला दिया है इनको। ठीक हो भाई साहब आप? और ये लेके जा रहे हैं और ये दिलवाएंगे एप्पल का फ़ोन। इसके बाद में हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट और फिर आपसे मिलेंगे श्रीनगर में। बताते हैं आपको, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी अलग है। ये क्या है कि यहाँ पर हम पहुँच गए, और जहाँ से हमें फ़ोन उठाना है, आए तो हम हैं जो साकेत में एप्पल स्टोर है उसके पास, लेकिन हम वहाँ से फ़ोन नहीं ले रहे हैं, एक रीसेलर है वहाँ से फ़ोन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ था, हमारे GST नंबर पे अवेलेबल नहीं था। तो जो मैं फ़ोन ले रहा हूँ अपने कंपनी के नाम पर ले रहा हूँ, इस वजह से मुझे अभी करना पड़ेगा इंतज़ार, और इंतज़ार होगा पूरा तो हम जाएंगे और देखते हैं कि कब मुझे फ़ोन मिलता है। तो भैया सुबह सुबह जो है आज मॉल की ओपनिंग हमने की है, और यहाँ पर कोई नहीं है, और गार्ड भैया हमें नहीं आने दे रहे थे, लेकिन हमारे पास ना टेक्निक थी कैसे आए यहाँ पर, तो हम आ चुके हैं। तो चलते हैं, गलत वाले चल रहे हैं पक्का। और यहाँ पर सुबह सुबह सब कर्मचारी लोग आते हैं, तो हम लोग कर्मचारी हैं और जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे है स्टोर, स्टोर के बाहर बैठ के धरना दे देंगे। तो भैया हम मॉल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर मतलब किसी की एंट्री नहीं होती है। सवेरे 8 बजे पहले जो लोग आते हैं वो कर्मचारी होते हैं, और एक सीक्रेट तरीका था यहाँ आने का। अगर आप किसी मॉल में एंट्री करना चाहते हैं, आजकल क्या होते हैं कई सारे गेटवे होटल खुल गए हैं, तो वहाँ से अगर वो मॉल में है उसमें जाइए, होटलों की मना नहीं करेगा, और उसके साथ में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आने का। मेरा तो पर्पज है इसलिए आया हूँ यहाँ पे, आके मैं क्या ही करूँगा, सब कुछ बंद है A to Z, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, सिर्फ आपको बैठना है। तो देखिए बैठने के लिए भी मतलब सारी सीटें उठते हैं, सब ऐसे पड़ी हुई सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इंतज़ार करना है 40 मिनट, इसके बाद मुझे मेरा मिलेगा फ़ोन और मैं सीधे चला जाऊँगा एयरपोर्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवेंचर हो रहा है। फ्लाइट है 10:25 की, फ़ोन मिलेगा 8 बजे से पहले मिल नहीं सकता, क्योंकि एप्पल की गाइडलाइन है उसके पहले देंगे नहीं, बट मैं आ गया हूँ और पूरी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। साकेत सिटी स्थित फ्यूचर वर्ल्ड में सुबह सुबह 7:45 मेरी एंट्री हो गई फाइनली, और मैं अंदर पहुंचा, और यहाँ पे विभास भैया मिले जिन्होंने मुझे मेरा फ़ोन सबसे पहले दिखा दिया। देखिए अमित जी आपका फ़ोन मेरे पास है, और उनके पास सिर्फ कुल मिलाकर 3 सेट आए थे, उन्होंने मेरे पसंद का टाइटेनियम ब्लैक दिया, और ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और इसको लेने के बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की तरफ हम बढ़ गए, और मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं चाहता था जल्दी से जल्दी इसका मैं अनबॉक्सिंग करूं यहीं पर, और वो वक्त भी आ गया। और ये पहला फ़ोन था, मतलब बता रहे थे लोग कि पहली बिलिंग इसकी हुई है, तो मुझे ये खुशी हुई कि भैया चलो मुझे जो मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि मुझे जाना था मर्सिडीज़ की ड्राइव पर, और मुझे यहाँ से सीधे निकलना था, और ये भैया फ़ोन मेरे हाथ में आया तो लगा, मतलब मैं पहले इसका फील लेना चाहता था कि ज़्यादा वजनी है नहीं, बट मुझे लगा ठीक है वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट मेरे फ़ोन से तो वजनी था ही, क्योंकि मैं अभी 13 प्रो यूज़ कर रहा था, मैं 2 साल में एक बार चेंज करता हूँ। तो ये भैया मिला, और मुझे सबने बधाई बधाई दी, क्लैपिंग व्लैपिंग किया। इसके बाद में अब बारी थी भैया इसको पैक वैक करके आगे निकलने की, और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके अच्छी यादों के साथ अब मुझे बढ़ना था एयरपोर्ट की तरफ। तो भैया फाइनली डिलीवरी मिल चुकी है, और अब हम आगे निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि फ़्लाइट है 10:25 की, और अब सिर्फ निकलना है, मतलब क्योंकि यह थोड़ा लेट हुए तो लेट हो जाएंगे ज़्यादा, बट ये फ़ोन सच में बहुत अच्छा है। तो इसमें आप सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, मतलब सोचो कि अगर आप किसी फ़ोन के लिए लगभग 2 लाख रुपये चुका रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब 2 लाख रुपये का मुझे एग्जैक्ट 2 लाख कवर वगैरह सब ले लिया, एप्पल केयर वगैरह सब ले लिया, उसके साथ में मुझे 2,03,000 रुपये का एयरफोन पड़ा है। ये ट्रैफिक डरा रहा है, बट मुझे पता है कि लेट नहीं होंगे, पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है ना राइट हैंड निकल जाएगा, हम जाएंगे लेफ्ट हैंड, और यहाँ से सिर्फ 5 या 7 मिनट हमें और लगेगा, और हम अप्रोच कर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ।
तो अभी सिर्फ खेल रहे हैं, कुछ सेटअप नहीं जमाया है, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया, कोई सिम नहीं लगाया है, क्योंकि अभी मेरा पुराना फ़ोन चल रहा है और इसे आराम से बैठकर तसल्ली से करने वाला हूं। और मैंने क्या किया इस बार कि अपने 13 प्रो को रिटायर नहीं किया है, 2 साल में एक बार मैं फ़ोन चेंज करता हूं आईफोन, तो ये सीक्वेंस बनाया है, लेकिन मैंने अपना 13 प्रो रखा हुआ है। इस वजह से मुझे लिबर्टी मिल गया है कि आराम से मैं इसे शिफ्ट करूँगा। कवर वगैरह पहली बार क्या हुआ कि एप्पल से ही कवर ले लिया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये 6000 का उनका का पूरा प्रोटेक्शन, मतलब ये प्रोटेक्शन भी मिल गया, इसका आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल गया। और मैं अगर फर्स्ट इंप्रेशन मुझसे पूछेंगे इस फ़ोन के बारे में, तो आपको बता दूँ कि मतलब जिसे शौक है ना, ये उनके लिए है। बेसिकली फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको अगर 13 प्रो भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है। ये आपको जो चेंज फील मिलने वाला है, ये सी टाइप चार्जिंग पोर्ट वाला आप देखते हो, सबको पता है ये वाला आ गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचो कि कंप्लीट चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा फील, आपको जो भी नया अपडेट आया है ना 17 वाला, वो गजब का है, उसके साथ ही आपका फोन नया हो जाएगा। तो फालतू में पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं शूट करता हूँ इससे वीडियोज़, इसलिए मैं चाहता हूँ टाइम टाइम पर अपडेट होते रहे, जिससे मैं कुछ क्वालिटी वाली वीडियोज़ निकाल सकूँ। देखता हूँ कितना साथ ये निभाता है। भैया इस फ़ोन को लेने में बहुत जल्दी उठना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी, यहाँ तक पहुँचा, एयरपोर्ट पर टाइम से पहुँच गया हूँ, और अभी 10 मिनट में बोर्डिंग शुरू होगी, शुरू हो चुकी है बोर्डिंग हमारी सदर ब्रेक गेट पे, तो वहाँ जो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, अनाउंस करना शुरू किया है, और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं, प्रस्थान करेंगे श्रीनगर के लिए। और मैंने अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स से जो सबसे पहला वीडियो बनाया वो ये है, आप लोगों को पेशे खिदमत है। देखिए मैं अपनी फ्लाइट के विंडो से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, देखना चाह रहा था कि इसका जो 5X आया है वो किस तरीके से काम करता है। तो 5X पे मैंने वीडियो बनाया और मुझे सच में अच्छा लगा। अभी बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना है, बट देख रहे हैं कितने दूर है मुझसे प्लेन और कितने अच्छे लगे। तो अब आप बताइए आपको कैसा लगा। तो भैया धुआं धुआं हो गया है यहाँ पे, कोई पता नहीं कितनी देर में और टेक ऑफ होगा, क्योंकि श्रीनगर में कुछ इशू चल रहा है और यहाँ पर लोग एकदम उत्साही। काफ़ी इंतज़ार के बाद, मतलब हमारी फ़्लाइट लगभग 2 घंटे लेट रही और हम श्रीनगर पहुँच गए, और मैंने अपने इस फ़ोन से कुछ शॉट्स लिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। शुरू में आपने देखा कैसा लगा, ये कैसा लगा, ये सब कुछ आपको कमेंट करके बताना है। इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल मेरा फ़ोन मेरे साथ में है और मैं बहुत सारे वीडियोज़ उसे बनाने वाला हूँ। अब आपकी बारी है कमेंट करने की, आ जाइए कमेंट में, अपनी जो बात रखना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आइए जुड़ जाइए। फिर मैं आपके लिए कुछ और वीडियो लेके आता हूँ, जुड़े रहिए, देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अमित द्विवेदी लाइव आप पूरा देख सकते हैं।